अक्टूबर सन 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने समझदारी और कुशलता से भूकंप से राहत कार्य संभाला और महज 2 साल में गुजरात को भारत में बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात के छोटे छोटे गांव में ऐसी सुविधाएं पहुंचाई जो अन्य राज्यों में शहरों में देखने को मिलती हैं। लोग मोदी के काम से बेहद खुश थे और इसी वजह से गुजरात की जनता ने 4 बार लगातार मोदी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। साल 2002 में गोधरा कांड ने देश में हड़कंप मचा दिया। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। किसी सांप्रदायिक विशेष द्वारा गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में आग लगा दी गई थी और इसमें महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में दंगा फैल गया था और इस सांप्रदायिक दंगे की देश भर में निंदा हुई थी। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी का सही फैसला ना लेना इस सभी की वजह बताया गया था, लेकिन बाद में मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट से गोधरा कांड से क्लीन चिट मिल गई थी। 43,000 लोगों से जानकारी पाकर के सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति श्रीमान नानावटी कमीशन ने आज कह दिया कि गोधरा के डिब्बे की घटना यह अकस्मात नहीं थी, ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। साल 2013 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके नामुमकिन कामों को मुमकिन करने की क्षमता को देखकर उन्हें हमारा 15वां प्रधानमंत्री भी चुना गया। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका नाम कई विश्व सूचियों में शामिल किया जा चुका है। साल 2007 में इंडिया टुडे द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी को सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया गया था। सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। साल 2014 में उन्हें फोर्ब्स मैगजीन द्वारा विश्व के 15 शक्तिशाली लोगों में शामिल किया गया था। दृश्य को देखा तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मशु कौशल। विश्व के महान नेताओं की लिस्ट में इनका नाम 5वें नंबर पर था और अब वे प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का कुशलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कई विदेश यात्रा की और भारत की छवि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध कर दी। मोदी ने डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, मेक इन इंडिया जैसी कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना सफल न होती, ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। कम
मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए।